नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ पारुल और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ बीजेपी के बड़े नेता रघुराज कुंसाना ने हार का ठीकरा नेताओं पर फोड़ा है। रघुराज कुंसाना ने नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा, रुस्तम सिंह से जताई नाराजगी। पार्टी फोरम पर उन लोगों के नाम भी दिए हैं जिन्होंने पीठ में छुरा भौंका, ये कहा है कुंसाना ने। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हार के जिम्मेदार रघुराज कुंसाना का बड़ा बयान, हार का ठीकरा फोड़ा है बीजेपी के नेताओं पर ही, रुस्तम सिंह से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जिन्होंने पीठ में छुरा भौंका, पार्टी फोरम पर उन लोगों के नाम दिए हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में हार की समीक्षा होनी चाहिए, जिम्मेदारी पर संगठन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिम्मेदार जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहा है कंसाना ने। तो रघुराज कंसाना का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो हार का जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को ही मान रहे हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी ज्यादा जानकारियों को लेकर। आशीष, हार का ठीकरा फोड़ा है बीजेपी नेताओं पर है रघुराज कुंसाना ने। उन्होंने कहा कि पार्टी को प्रशिक्षण निचले कार्यकर्ताओं को देने की जरूरत है। उन्होंने कहा पार्टी फोरम में तमाम नाम दे दिए हैं और खासतौर पर रुस्तम साहब को टारगेट करते नजर आए, कैसे देखते हैं? देखिए, रघुराज कुंसाना मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मुरैना सीट पर बीजेपी हार गई। और हारने के बाद रघुराज कुंसाना की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मुरैना मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गृह क्षेत्र आता है और वहां पर यदि संगठन मजबूत नहीं है तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज गलत गया है। कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, उनका साफ तौर पर कहना है, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। रघुराज कुंसाना का ये भी साफ तौर पर कहना है पारुल कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बातें पहुंचा दी और निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाना चाहिए। बिल्कुल आशीष, अभी थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बातचीत हो रही थी जिसमें जो सिंधिया समर्थक हैं उनको विचारधारा के बारे में बताया जाएगा, रीति नीति को लेकर बताया जाएगा। रघुराज कुंसाना जिस तरह से मीडिया के सामने आकर बीजेपी के आला नेताओं को कोस रहे हैं पार्टी अपनी हार को लेकर, जाहिर है उन्हें भी विचारधारा को समझने की जरूरत है, रीति नीति को समझने की जरूरत है, थोड़ा इतर सवाल है। बिल्कुल, जब उनसे रानी टीवी ने खास तौर पर चर्चा की और पूछा प्रशिक्षण की आवश्यकता निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को है, क्या बड़े स्तर पर या बड़े जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें भी जरूरत है, उनका साफ तौर पर कहना था कि निचले स्तर के कार्यकर्ता तो एकजुट रहे, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता और भी है, लेकिन जो बड़े कार्यकर्ता है, उन्हें पुराने नेता है पार्टी के, वरिष्ठ नेता है, उनसे नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखने को मिली। ये जो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है ये 10 अलग अलग विषयों पर आधारित किया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग जो नेता और कार्यकर्ता है उन्हें अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी दी जा रही है ताकि वो मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सके। अब ये प्रशिक्षण बीजेपी के लिए कितना काम आएगा, खासतौर पर सिंधिया समर्थक वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं, तो उनके लिए कितने फायदेमंद साबित होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो प्रशिक्षण शिविर में किस तरह से इन्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा, प्रशिक्षण वर्ग 10 पॉइंट्स को लेकर रखा गया है, ये अभी आशीष ने भी हमसे डिस्कस किया, और खासतौर पर कितना फायदा इस प्रशिक्षण शिविर के बाद मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ा सवाल जो खबर खास है कि रघुराज कुंसाना ने पार्टी के आला नेताओं से शिकायत की है कि कुछ ऐसे नेता जिनमें रुस्तम सिंह का भी उन्होंने नाम लिया है पार्टी के फोरम पर उन लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं जो इस जिन लोगों की हार हुई है उसमें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए, वहां पर संगठन कमजोर है तो वहां मजबूत करना चाहिए, कई तरह की बातें उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कही है, खासतौर पर नादी टीवी से जब उन्होंने बात कही, क्योंकि मुरैना से चुनाव लड़े और हार गए रघुराज कुंसाना, तो अपनी
हार को लेकर ये जवाब वो दे रहे थे। उन्होंने कहा बीडी शर्मा साहब का क्षेत्र है और वहां पर संगठन मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले तो वही मजबूत करने की जरूरत है। आलाकमान को उन्होंने नाम दे दिए हैं, ये भी रघुराज कंसाना कहते हुए नजर आया। उसमें रुस्तम सिंह साहब से भी जरूर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है।